ठीक है, एटम का स्पेसिंग बड़ा है इसमें, वेल्डिंग मार करते हैं हम लोग, वेल्डिंग की रेट की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा इसका एटम बढ़ा। अभी जो मुझे वेल्डिंग करने का टाइम पे यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने बेकिंग किया नहीं, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज रॉड में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और वो हाइड्रोजन रहेगा वेल्डिंग में। अगर तुमने वेल्डिंग के अंदर गया तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें रहने के बाद में यहाँ से भी उसको जगह मिलेगा, वहां से निकलने का कोशिश करेगा जो भी स्पेसिंग के वास्ते, क्योंकि स्पेसिंग के हिसाब से जब भी वो निकलेगा वो क्यों निकलेगा, क्योंकि एटम का स्पेसिंग बढ़ा है, बराबर है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल जो है एटम जो है छोटा है, तो वो क्या है उसमें से आराम से निकल सकते हैं, और उसमें क्या स्ट्रेस भी रहता है, जॉब में स्ट्रेस रहता है, और वहां से होता है जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है वहां पे वो क्रैक जनरेट करता है। इसलिए इलेक्ट्रोड के अंदर का हाइड्रोजन पूरी तरह से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बेकिंग कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि आपका जो भी स्टील का स्टिंग है, स्टील का स्टिंग में ज्यादा करके रिपेयर का प्रॉब्लम आ रहा है। रिपेयर का प्रॉब्लम आने का मेन रीजन क्या है, एक तो आपका प्रॉपर बेकिंग का सिस्टम जो है वो प्रॉपरली आपसे यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसके लिए बेकिंग का वैसे हाइड्रोजन रिटेनमेंट ट्रैक आ रहा है। इसलिए वेल्डर को जैसा बताया गया है कि 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर में आपका मदरबोर्ड में इलेक्ट्रोड जाना चाहिए, टेम्परेचर आने के बाद में 2 से 3 घंटा उसका जो होल्डिंग उसका जो टाइम है ओवन में रखने का, और अपने बाद में आपका होल्डिंग के ओवन में आएगा, उधर से वेल्डर क्या करेगा उसके पास में जो पोर्टेबल ओवन है, पोर्टेबल ओवन का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, तो उसमें रॉड लेके वो वेल्डिंग उसमें जो आपको वेल्डिंग करेगा। अगर ये सब प्रोसेस आपका डाइल्यूट हो गया तो क्या होगा आपका क्रैक आने वाला है। अगर समझो आपने रॉड पूरा बेकिंग किया लेकिन हीट अफेक्टेड जोन की वजह से क्या है तो आइटम का तो स्पेसिंग बढ़ने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें स्पेस आएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है अंदर बाहर निकलने के लिए नहीं रहेगा तो क्रैक किधर से आएगा। ये तो स्पेसिंग तो तुम्हारा बढ़ने वाला है, क्योंकि वेल्डिंग का जो हीट रहता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो स्पेसिंग बढ़ेगा, स्पेसिंग को बढ़ने वाला है, लेकिन तुमने बेकिंग किया है तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा और क्रैक आएगा नहीं, लेकिन तुमने बेकिंग का प्रोसीजर डाइल्यूट किया है, उसको स्किप किया है, तो हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ से बाहर पड़े निकलेगा और उसको मटेरियल को क्या करेगा।